हो जाएगा ये। अब ध्यान सुनो भाई, आज इसको कंप्लीट करना है हम लोगों को। ध्यान से देखो, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन भी आती है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। पहले इन्होंने बताया क्या वो देख लें। इन्होंने बताया अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो बिल्डिंग से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो क्या वो फॉल होगी? तो अगर फर्स्ट टी टाइम में एच फॉल हुई है तो नेक्स्ट टी टाइम में कितना फॉल होगी? 3h। फिर नेक्स्ट टी टाइम में 5h, देन नेक्स्ट टी टाइम में 7h, एंड सो ऑन। तो पर इनका लॉ समझ में आया? गैलीलियो ने क्या बताया कि अगर एक बॉल को तुम किसी बिल्डिंग से ड्रॉप कर दो, अगर फर्स्ट टी टाइम में वो एच गिरी है तो नेक्स्ट टी टाइम में डेफिनेटली कितना गिरेगी? 3h, फिर 5h, फिर 7h, 9h, एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर महसूस करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1h, 3h, 5h, 7h। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा और डेरिवेशन भी आएगी। तो पहले डेरिवेशन करके देखें। ठीक है सर, ध्यान से देखना। पहले इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, लिखो स्टेटमेंट। In free fall, any object will cover. In free fall, any object will cover distances in ratio 1:3:5 and so on. In free fall, any object will cover distances 1:3:5. And so on, if time interval is same. In free fall, any object will cover distances 1:3:5, dot dot, and so on, if time is same. 1:3, मैं रेशियो की फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, 1:3:5:7, and so on, if time is same. इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट टी सेकंड में एच मीटर गिरी है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टी सेकंड में कितना गिरेगी? 3h, उसके नेक्स्ट टी सेकंड में 5h, 7h, 9h, एंड सो स्मॉल टी तुम कुछ भी ले सकते हो, बट जो भी तुमने स्मॉल टी टाइम इंटरवल लिया है वो इक्वल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से मैं एक बॉल गिरा रहा हूं और उसको हम स्लो मोशन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टाइम इंटरवल तुमने 2 सेकंड ले लिया, ठीक है, तो हर 2-2 सेकंड में जो बॉल गिर रही है उन डिस्टेंसेस को हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा। तो अगर फर्स्ट 2 सेकंड में एच गिरी है तो अगले 2 सेकंड में पक्का कितना गिरेगी? 3h, देन 5h, एंड देन 7h, एंड सो ऑन। ऑड नंबर समझ में आया ना, ऑड नंबर के रेशियो में चलेगा। अब इसको पहले प्रूव करें, अगर तुम्हें वो स्टेटमेंट समझ में आया हो तब, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। सब लोग ध्यान से देखना, डेरिवेशन के लिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। यहां पर क्या सबको ए बी दिख रहा है? यस। टाइम मैंने कितना ले लिया? टी। और इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे दूं, एच वन कह दूं, ठीक है। तो अगर ए बी की बात चल रही है तो ए बी के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? एच वन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या ए को मुझे जी लिखना चाहिए? yes, सबको ये फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डिस्क। ये फॉर्मूला सबको पता है? yes, sir, yes. तो मैंने पहले किसके लिए सॉल्व करा? AB के लिए, ठीक बात है। तो AB के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। टाइम कितना था? टी। और कितनी हाइट फॉल हुई? एच वन। आप ध्यान से देखना, क्या सबको बी टू सी दिख रहा है? yes, sir, yes. टाइम मैंने कितना लिया? टी। अब ध्यान देना, बी टू सी कितना फॉल हुई? एच टू। मैंने ऐसा अज्यूम करा है, वेरिएबल एच वन मतलब कुछ अज्यूम करा है। अब ध्यान से देखना, मैं सोच रहा हूँ बी टू सी सॉल्व करूं या ए टू सी? बी टू सी। बताओ भाई, बी टू सी। मुझे लगता है ए टू सी सॉल्व करना आसान है। अच्छा हाँ, वो इनिशियल वेलोसिटी। क्या ए टू सी के लिए मुझे ए की वेलोसिटी पता है? 0 है। yes, yes, अगर तुम कह रहे हो बी टू सी सॉल्व करो तो पहले मुझे बी पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्या? yes, तो ध्यान दो, मैंने इस बार ए टू सी सॉल्व करा, क्या लिखूंगा? इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना है?
एच वन प्लस एच टू, यू कितना है जीरो प्लस हाफ जी, टाइम कितना है टू टी का होल स्क्वायर, टू टी का होल स्क्वायर, सही बोला मैंने? क्या तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन से एच वन की वैल्यू पता है कितनी थी, हाफ जी टी स्क्वायर, सही बात है? यस सर। और क्या राइट में फोर जी टी स्क्वायर बाई टू दिख रहा है? यस सर। तो फिर इसको हम हाफ जी टी स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे, एच टू कितना आ जाएगा, मुझे लगता है थ्री बाई टू जी टी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ठीक है, इतना नोट करो, एक केस और बनाएंगे इसके बाद। पहले मैंने ए टू बी को सॉल्व करा, फिर हमने किसको सॉल्व करा, ए टू सी को। हाँ ये प्रूफ है, इसका डेरिवेशन है, ये तो ठीक है, आएगा भी, सब आएगा सर, 0.5 एंड 0.5 ऐसे कर लेंगे। हाँ आएगा भी, अगर हो गया तो आगे बढ़े, सबका हो गया नहीं और जल्दी से। तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर में इंपॉर्टेंट बात है, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, इक्वल इक्वल टाइम पे जो डिस्टेंसेस होंगी, हम प्रूव कर रहे हैं कि उसका रेशियो पक्का कितना आएगा, 1:3:5:7 एंड सो ऑन, और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में। सबका हो गया? ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करा था, ए टू बी, कितना टाइम लिया था, टी, डिस्टेंस कितनी ली थी, एच वन, हमने स्ट्रिंग को थ्रो करा था या ड्रॉप किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी ध्यान रखना जीरो है। फिर हमने बी टू सी सॉल्व करा, कितना टाइम लिया, मतलब बी टू सी टाइम कितना लिया था, टी, और डिस्टेंस कितना लिया था, एच टू, सही ना? यस। अब मैं एक और पॉइंट लेना चाहता हूँ, डी, कितना टाइम है, टी और एच थ्री, सही है? यस। तो जैसे पहले मैंने ए बी सॉल्व करा था, फिर मैंने ए सी सॉल्व करा था, इस बार मैं ए डी सॉल्व कर, सही? तो मुझे लगता है तुम लोगों को दिखना चाहिए इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी थ्री टी होल स्क्वायर, है ना? क्या एच वन हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, कितना आया था, हाफ जी टी स्क्वायर, क्या एच टू कैलकुलेट करा था, सही बात है ना? और राइट में मुझे क्या दिख रहा है, 9 जी टी स्क्वायर बाई टू, सही है? देख लो भी ध्यान से, अब सबको मैं राइट में ले जा रहा हूँ, तो राइट में जाके सब्ट्रैक्ट होगा क्या, तो क्या ये 5 जी टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ठीक है? अब अगर तुम कह रहे हो रेशियो निकालो, एच वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री, एच वन कितना आया था, हाफ जी टी स्क्वायर, एच टू कितना आया था, 3/2 GT² और H3 कितना आया था, तो रेशियो में कॉमन वाली चीजें हटा सकते हैं क्या, yes, तो लगता है 1:3:5 एंड सो ऑन, मैंने 3 तक प्रूफ करके दिखा दिया कि ऑड नंबर के रेशियो में आ रहा है। अगर H1 1 मीटर होगा तो पक्का H2 3 मीटर होगा एंड H3 5 मीटर होगा। तो फिजिक्स का एक सिंपल रूल है भाई, क्लास में बैठ के 2-4-5 क्लास वाले टीचर्स की बात को सुनो, फिर तुमको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा और हमेशा एक्सेप्टेंस के मोड में रहोगे, सुनोगे क्या बताया जा रहा है, अपने आप सब बनने लगता है, बट उसके लिए जरूरी बात है कि टीचर्स की बात को सुनो, और डाउट है तो पूछो, डाउट्स आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, कोई डाउट है बोलो सर ये बात नहीं समझ में, बताओ दोबारा, बट केयरफुली सुनो कि क्या बताया जा रहा है, धीमे धीमे तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा सब्जेक्ट जब अपने आप क्वेश्चंस बनते हैं। तो
जब अपने आप क्वेश्चन बनते हो तो अच्छा लगता नहीं लगता ना, कि जब कोई क्वेश्चन देता हो तुम सॉल्व कर लेते हो। और मैं हमेशा एक ही बात सिखाता हूँ, आइडिया, आइडिया को पकड़ो, क्वेश्चन सुनने के बाद जो दिमाग में आइडिया आ रहा एग्जीक्यूट करो, या तो सही आइडिया आएगा या गलत आएगा। सही आया वेल डन, गलत आया तो उसको हम सही करेंगे ना, उससे भी तो इम्प्रूवमेंट होता ही है। हर क्लास में नई चीज सीखोगे तुम उससे, धीमे 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 एकदम चैनलाइज हो जाओगे, एकदम सीधा आइडिया आएगा तुम्हें कि अच्छा इसमें ऐसा करो, काम खत्म। बट उसके लिए बहुत जरूरी बात है कि ध्यान से टीचर्स की बात को सुनो और स्टार्टिंग के टाइम की इंपॉर्टेंस समझो। अगर फर्स्ट 2 मंथ्स निकल जाता है तो फिर मैं बार बार बोलता हूँ, फिर नहीं पकड़ में आती फिजिक्स, फिर काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर स्टार्टिंग की क्लासेस तुम पकड़ रहे हो तो फिर तुमको अपने आप सब कुछ चलता चला जाएगा, अपने आप आसान लगता जाएगा। चैप्टर 3 जैसा लगा उससे आसान चैप्टर 4 लगेगा तुम्हें, उससे और ज्यादा आसान चैप्टर 5 लगेगा, बिल्कुल लॉजिकल लगता चला जाएगा। साइंस है ना, यहाँ कुछ वैसा नहीं चलता कि अजीब सा कुछ आ गया फिजिक्स में, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एग्जैक्ट रूल चलेगा हमेशा, 2+3 इज 5, इट इज ऑलवेज 5 इन एवरी सिचुएशन। ठीक बात बोली मैंने, वही फिजिक्स है, जो रूल बताया गया कभी भी गलत नहीं होंगे या कहीं गड़बड़ नहीं होंगे, हमेशा चलेंगे, बस सिचुएशन पहचानो। H4 की वैल्यू 7 GT² / 2 आएगी, बढ़िया दे आएगी, H5 9 GT² / 2 एंड सो। जैसे मैंने 3 तक की डेरिवेशन करी राइट, मैंने H1 निकाला 1/2 GT², H2 निकाला 3/2 GT², H3 निकाला 5/2 GT², तो H4 क्या आने वाला है 7 GT², उसके बाद 9, ऐसा आता है। तो आइडिया, मैं कहता नहीं आइडिया आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, जब आइडिया आने लगे तुम्हारे दिमाग में तो समझ जाओ आप बिल्कुल सही चल रहा है, गलत आ रहा है नो प्रॉब्लम, वो धीमे धीमे सही हो जाएगा टाइम के साथ, आगे बढ़े, ठीक है ना। ये बुक कहती है जो मैंने बताया, अब मैं वो बताता हूँ जो मुझे पता है, बताऊँ? यस सर, ठीक है। अब देखो मुझे क्या पता है, मैं अलग से कुछ बताता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो, इससे तुम्हें क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। इसका ये बुक पर नहीं लिखा, ध्यान रखना, ये मैं बताता हूँ। स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो में मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, 9.8 m/s² होता है स्मॉल जी की वैल्यू, मैं ऑलमोस्ट कितनी मान के चल रहा हूँ, वैसे होती 9.8 है, ठीक सर। तो ध्यान से देखना, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप करा वैक्यूम में, जब तक मेंशन नहीं वैक्यूम में, तो 1 सेकेंड में डेफिनेटली ये कितना फॉल होगी 5 m, अगले 1 सेकेंड में कितनी फॉल होगी 15 m, उसके अगले 1 सेकेंड में बताओ भाई 25 m, उसके अगले 1 सेकेंड में 35 m, उसके अगले 1 सेकेंड में एंड सो। ठीक है, तो ये स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां मैंने टाइम को क्वांटिफाई कर दिया है, क्या सही बात है। ठीक है, अब ये मैंने तुक्के में निकाला है या इसका लॉजिक बनाया, तुम भी बना सकते हो, तुम ही बताए। देखो एच का फॉर्मूला क्या है, UT+ ½ GT². आई होप एवरीवन नोज दिस फॉर्मूला, एंड यू इज 0 एंड आई एम टेकिंग GS 10 एंड टाइम एज 1 सेकेंड। स्पेशल केस लिया है क्या मैंने, तो क्या कैलकुलेट करके 5 आ गया, तो अगर पहली डिस्टेंस 5 आ गई तो बस आगे वाली मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। इसका मतलब पहले सेकंड में कितना गिर रहा है 5 m, तो अगले सेकंड में into 3 15 m, उसके अगले सेकंड में 5 into 5 25 35 45 55 एंड सो। इससे फायदा समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन में तुमको हेल्प मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, मैंने बोला न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो एक रूल और बताऊं मैं, ठीक है, एक और बताता हूं, इसको मैं बोलता हूं रिवर्स केस ऑफ गैलीलियो। ठीक है, ये भी मैं बताता हूं, इसका मतलब बुक में ये नहीं मिलेगा तुम्हें, बुक में नहीं मिलेगा, देखना ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप कर दिया, अगर फर्स्ट एच मीटर गिरने में इसको टाइम लग रहा है √1 t, ध्यान देखना, तो नेक्स्ट एच मीटर गिरने में लॉजिकली ज्यादा टाइम लगना चाहिए या कम या सेम। सर H2 क्या होगा स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो का, 15 m, रेशियो से निकाल लो ना, सिंपल बात खत्म, 1:3:5 तो चलेगा ही ना, तो अगर H1 5 है तो H2 क्या होगा 3 times,
क्या एच टू थ्री एच वन होना चाहिए? क्या एस थ्री फाइव एच वन होना चाहिए? सोचो, सेवन एच वन, नाइन एच वन, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब मुझे गैलीलियो लॉ पता है तो एग्जाम में मैं गैलीलियो लॉ प्रूफ थोड़ी नहीं करूंगा, मैं तो उसको अप्लाई करूंगा ना। बताओ भाई, सही बात बोली मैंने? अगर क्वेश्चन आएगा तो किसी न्यूमेरिकल में हम गैलीलियो लॉ प्रूफ थोड़ी नहीं करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ अप्लाई करा स्पेशल केस में कि अगर एच वन फाइव है तो बस वन इज टू थ्री इज टू फाइव लगाता चला जाऊंगा। अब रिवर्स केस में ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये बोला अगर फर्स्ट एच को गिरने में रूट वन टी ए तो अगली बार टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि एक्सलेट हो गया है क्या? तो मैंने कितना टाइम लिखा है, रूट टू माइनस रूट वन टी। उसके अगले एच में कितना टाइम लगेगा? रूट थ्री माइनस रूट टू टी। थोड़ा ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ। उसके अगले एच में कितना लगेगा? रूट फोर, रूट फोर माइनस रूट थ्री टी। बस नोट कर, इससे हेल्प मिलती है, ये बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें। दोबारा बताओ, ठीक है, पहले ये बताओ गैलीलियो समझ में आया तुम लोगों को? गैलीलियो में मैंने बहुत क्लियरली बोला इक्वल इक्वल टाइम में जो डिस्टेंसेस फॉल होंगी वो एच थ्री एच फाइव एच सेवन एच एंड सो ऑन, ठीक। फिर मैंने स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो बनाया है क्या, कि अगर एक बॉल को गिराओगे तो फर्स्ट सेकंड में कितना गिरेगी? 5 मीटर। अगले वन सेकंड में 15, अगले वन सेकंड में 35, 45 एंड सो ऑन, ठीक। फिर मैंने बताया रिवर्स केस ऑफ गैलीलियो, इसमें मैंने क्या बोला, अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो ध्यान देना इस बार मैं इक्वल इक्वल हाइट बोल रहा हूं क्या? यस सर, ध्यान दो। इस रिवर्स केस ऑफ गैलीलियो मैंने बोला कि फर्स्ट एच को गिरने में अगर टाइम रूट वन टी है तो नेक्स्ट एच में पक्का टाइम कितना होगा? रूट टू माइनस रूट वन टी। और ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ? ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ये प्रूफ भी कर सकते हैं हम, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एच को गिरने में रूट वन टी लगा है तो नेक्स्ट एच में पक्का कितना लगेगा? रूट टू माइनस रूट वन टी। उसके अगले एच में रूट थ्री माइनस रूट टू। वो डेरिवेशन है उसकी बेटा, मतलब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये भी कहीं से ड्राइव करी गई होगी ना। अगर जानना चाहते हो तो करके दिखाता हूँ। चलो मैं करके दिखाता हूँ, पहले नोट कर लिया सबने? यस, मैं करके दिखाता हूँ कहाँ से है, नोट कर लो। इसमें डाउट बेटा बताओ, मैं बताया था स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो में दोनों करते हैं, आया नहीं आया सर? वो केसेस सी करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 को 20 हो गया और 20 में से 5 हटा दे तो 15 होता है ना, मतलब बी टू सी का आ गया। आ गया हां बेटा, रूट 2 की वैल्यू कितनी आ सकती है? रूट 2 की वैल्यू 1.414 1.6 होती है ना इसकी, रूट 3 की वो कैलकुलेट ही नहीं करना सर, एक बार देख पक्का कम होगी भाई। पहले कितना था? 1 टी था। सेकंड वाले में कितना था? -√1 तो 0.414 हो जाएगा, कम हो गई। लॉजिकली सोचो जैसे जैसे नीचे कोई चीज गिरेगी उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो सेम सेम टाइम को कवर करने में डिस्टेंस, टाइम सेम सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको बनाते कि रिवर्स केस ऑफ गैलीलियो मैंने कैसे डिराइव करा, ठीक है। सब नोट कर लिया पहले? अब देखो मैं डिराइव करके दिखाता हूँ, ध्यान देना। पहले बताओ ए टू बी कितना डिस्टेंस है? एच। टाइम टी वन मान लू। बी टू सी कितना डिस्टेंस है? एच। टाइम टी टू मान लू। एंड सी टू डी कितना डिस्टेंस है? अगेन एच। और टाइम कितना ले लिया आप? टी थ्री। किसी को यहां तक डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है या ड्रॉप करा है? बढ़िया, तो मैं जानना चाहता हूं क्या ए टू बी सबको दिख रहे हैं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहां से टी वन कितना आ गया? अजीब है, ठीक है, तुमने नोटिस करा? बहुत बढ़िया। फॉर बी टू सी, सॉरी फॉर ए टू सी सबको दिख रहा है?
सबको ए टू सी दिखा कितना डिस्टेंस है, 2h, सही बात है। और कितना टाइम है, t1 plus t2 टाइम b टू c है, a टू c का टाइम तो t1 plus t2 है, सही बात है। तो ध्यान देना क्या ये 4h by g under root equal to t1 plus t2 आ गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दिया है, ये आता समझ में? Yes, sir, क्या मुझे t1 की वैल्यू पता है? Yes, sir. तो डाल दो, क्या बन जाएगा ये वैल्यू डालने के बाद लेफ्ट में लाएंगे क्या बनेगा बताओ? सर वही आ गया, एक मिनट बेटा ये कुछ हैंग हो गया है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अंडर रूट 4h बाई जी माइनस अंडर रूट 2h बाई जी, सही, जिसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट 2h बाई जी। देख लो भी ध्यान से, आई होप इक्वेशन 2 समझ में आई सबको। अब मैं सॉल्व करना चाहता हूँ फॉर ए टू डी, ए डी दिख रहा है इस बार कितना डिस्टेंस दिख रहा है, 3h हाफ जी, टाइम कितना दिख रहा है, t1 plus t2 plus t3 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे लगता है ये बन गया 6h by g अंडर रूट इक्वल टू t1 plus t2 plus t3, राइट। क्या t1 plus t2 मुझे पता था, डाल दिया, कितना आ गया, तो t3 कितना आ जाएगा, क्या कॉमन लग रहा है, क्या रूट 2h by g कॉमन है, क्या बचा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, t1 is to t2 is to t3 कितना आ जाएगा, मुझे लगता है root 1 is to root 2 minus root 1 is to root 3 minus root, ध्यान से देखना पड़ेगा नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। कैलकुलेशन में नजर रखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, हाँ कुछ भी सकता है एग्जाम में, नहीं हाँ कुछ भी सकता है एग्जाम में। मतलब मैं वही बताऊँ ना जो एग्जाम में मुझे लगता है आ सकता है, जो एग्जाम में लगता है कि नहीं आएगा या सिलेबस में नहीं वो मैं बताऊंगा ही नहीं। जैसे सीबीएसई में रिलेटिव वेलोसिटी हटा दिया गया तो वो सीबीएसई में नहीं बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव में आता तो वहां बताऊंगा, सिंगल में बताऊंगा। सर इधर इस क्लास में नहीं पढ़ाएगा जो सिलेबस में बेटा वो क्यों पढ़ाऊंगा, हमें तो वही पढ़ना ना जो सिलेबस में हमारे, अगर हो गया तो आगे बढ़े। यस सर, एक बार कुछ थोड़े से क्वेश्चंस कराता हूँ इसी के, हाँ इसी टॉपिक के, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ जो टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले उससे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो मैं चाहता हूँ सबके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, कम से कम एक बात क्लियर होनी चाहिए कि गैलीलियो ने बताया अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे बिल्डिंग से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तो इक्वल इक्वल टाइम पर जो डिस्टेंसेज होंगी वो डेफिनेटली h 3h 5h 7h एंड सो, ये एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यस सर, और ये लॉ है तो लॉ है, हमने डेराइव भी कर लिया। अब अगर इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो मैं बैठ के फिर से डेरिवेशन थोड़ी नहीं करूंगा, अब सीधा अप्लाई करूंगा उस फॉर्मूले को, तो मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ इसके, अगर ये नोट हो गया हो।
जब थ्योरी पढ़ोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी थ्योरी क्लियर होगी, तभी कॉन्सेप्ट बनता है। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल्स करना का कंपलसरी है, तभी वो चीज रिटेन होगी दिमाग में, नहीं तो निकल जाएगी तुरंत। रिलेटिव वेलोसिटी देखो फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। यस सर। अब पेन छोड़ दो, अब बस क्वेश्चन देखो, अब पेन छोड़ दो। अब ठीक है ना, पीछे जो लोग हैं अब एप्लीकेशन है, बस क्वेश्चन देखो ध्यान से, पेन में नहीं चलाओ। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distances h1 h2 h3 in first 5 second next 5 second and next 5 second, so kya time equal hai yahan par? dhyan diya sabne? yes 5 5 second liya hai to galiyo lag jayega yahan par, to agar first distance hamari h1 hai to agli kitni honi chahiye? 3 h1, uski agli 5 h1, to d option to pakka galat hai, equal to ho hi nahi sakta। और सी ऑप्शन देखो गलत है। अब ए और बी में से देख, सबको बी लग रहा है, बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं चाहता हूं बी और सी, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों को रीड करूं। यस सर, सी है। तो शायद कुछ आइडिया लगे, सेकेंड और थर्ड दोनों को रीड करो। सबने रीड कर लिया। आप सेकेंड पहले सॉल्व करना चाहोगे या थर्ड? मुझे लगता है थर्ड पहले सॉल्व करना। थर्ड वाला और अप्लाई करना सीखो, पेन में नहीं उठाना होता ज्यादा क्वेश्चन में। ये वाला भी रीड करो और देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं। थर्ड का भी है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1। फर्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेंगे? s1। तो नेक्स्ट 10 सेकंड में पक्का कितना चलेंगे? 3s1। उसके नेक्स्ट 10 सेकंड में 5s1, 7s1 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर थर्ड का पक्का क्या लग रहा है मुझे? सही बात है। yes, अब वही लॉजिक सेकंड क्वेश्चन में फिट करूं। स्पेशल केस है ना गैलीलियो? नहीं नहीं हाँ। तो क्या सेकंड क्वेश्चन डेरिवेशन से हेल्प मिल रही है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और देखो डेरिवेशन में हमने आज ऐसा करा है नहीं करा। मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सेकंड में डाउट है या थर्ड में? चलो देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। पहले ये बात समझ में कि जब भी क्वेश्चन आता है दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गड़बड़ है भाई। देखो ध्यान से, क्या मैंने बहुत क्लियरली वर्टिकल के लिए बोला था? अब वही क्वेश्चन मैं हॉरिजॉन्टल में लगा रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट 10 सेकंड में ध्यान देना मैंने क्या बोला, एक्स मीटर चले हो तो अगले 10 सेकंड में कितना गिरे हो? चले हो सही बात है ना? यस सर। फर्स्ट 10 सेकंड में अगर हम एक्स चल रहे हैं तो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना चल रहे हैं? तो फर्स्ट 20 सेकंड में कितना चल रहे हैं? सोचो आराम से। तो मैंने कहा नहीं फिजिक्स तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, बट वो लॉजिक पकड़ना सीखो भाई क्या बोला जा रहा, उसके लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। और जब तुमको टाइम दिया जाए तो अप्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहला आंसर ला रहे हो या लास्ट ला रहे हो, सही ला रहे हो गलत ला रहे हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ट्राई कर रहे हो नहीं वो इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है,
और क्या 5 5 सेकंड की बात चल रही है? यस सर, सेम टाइम, टाइम सेम है इसका मतलब, राइट? टाइम सेम है, ये सुनते मेरे दिमाग में आ गया गैलीलियो। तो अगर फर्स्ट 5 सेकंड में एच गिरी है तो नेक्स्ट में पक्का 3H गिरेगी, नेक्स्ट 5 में पक्का 5H गिरेगी। अब बस ऑप्शन में नजर मारा मैंने, सब्जेक्टिव आएगा तो इसको हम लिख देंगे फ्रॉम गैलीलियो। अब सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा पहले थर्ड सॉल्व करना चाहिए, थर्ड ज्यादा डायरेक्ट फॉर्म में है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट 10 सेकंड में कितना चला है S1, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा? अब अगर तुमने थर्ड सॉल्व कर लिया तो थर्ड से सेकंड में हेल्प मिल रही है क्या? पढ़ो देखो, अगर फर्स्ट 10 सेकंड में तुम चल रहे हो S1, ठीक बात बोली, या X मान लिया मैंने, फर्स्ट 10 सेकंड में X चल रहे हैं तो नेक्स्ट 10 सेकंड में, तो फर्स्ट 20 सेकंड में कितना चलोगे? सही ना? अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं इसी पर, ध्यान से सुनना, ध्यान से। फर्स्ट 10 सेकंड में अगर X चल रहे हो तो नेक्स्ट 20 सेकंड में कितना चलोगे? बहुत बढ़िया, सोचो सब, पहचाना मेरे क्वेश्चन को? मैंने फिर से कुछ बदल दिया क्वेश्चन में, मैंने बोला फर्स्ट 10 सेकंड में अगर X चल रहे हो तो नेक्स्ट 10 में कितना चलोगे, उसके नेक्स्ट में तो नेक्स्ट 20 में कितना चलोगे? 8X, ठीक है ना? आई होप सबको क्वेश्चन नंबर समझ में आया, सेकंड में और जो मैंने पूछा उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा, ये एग्जाम में बहुत आता है। देखो बाकी क्वेश्चन में मैंने सिंगल स्टार लगाया था क्या? यस सर, मतलब लेवल 1 था, इस पे मैंने कितने स्टार लगाए? ठीक है, इसको कॉपी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। पहले आराम से रीड करो, समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऐसा तो रीड करो, मैं सॉल्व करूंगा, अगला तुम सॉल्व करना, पहले आराम से क्वेश्चन रीड करो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% बात तो वही सॉल्व हो गई, राइट? क्या हमारे पास एक टैप है 5 मीटर की हाइट पर, वहां से वाटर ड्रॉप्स लीक हो रही है पर्टिकुलर कुछ कुछ सेकंड में, राइट? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बार बार ड्रॉप लीक हो रही है, ऐसा देखा हुआ लोगों ने घर में होता नहीं होता कि टैप बंद कर दो तब भी कई बार पानी गिरता रहता है। थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। तो जो फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पर है? ग्राउंड पे, तो थर्ड ड्रॉप लीव कर रही है क्या? Yes, sir. तो पहले तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्या सबको टैप दिख गया? Yes, sir. टैप की हाइट कितनी है, सही ना? क्या टैप से ड्रॉप गिर रही है? फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पर है? ग्राउंड पे। सेकंड ड्रॉप रास्ते में, थर्ड ड्रॉप गिरने वाली है क्या? सही, इन ड्रॉप्स के बीच का टाइम कुछ भी है या फिक्स टाइम इंटरवल है? फिक्स टाइम इंटरवल, नोटिस करा सबने? सेम सर। तो अगर ये टाइम टी है तो पक्का ये टाइम भी कितना है? टी। ये बोला क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर टाइम पे बार बार टैप से ड्रॉप्स गिरती जा रही, ठीक? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, ध्यान देना, अगर ए बी हमारा एच है तो सी डी कितना है? सही है? Yes. सही है? और एच प्लस 3H कितना है? 5 5, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। एच कितना है, ध्यान दो, देखो ध्यान से देखो, आराम से देखो, सब आएगा, कोई दिक्कत यहां तक। सेकंड ड्रॉप कितनी हाइट पर है?
बढ़िया, वेरी गुड, 3H फ्रॉम ग्राउंड, और H तुम कह रहे हो कितना है, तो क्या आंसर 15/4 आना चाहिए, यस सर, मतलब 3.7। उसके लिए बहुत जरूरी बात है कि तुम्हारे दिमाग में गैलीलियो एकदम क्लियर हो। देखिए इसका आंसर, देखो कोई ऑप्शन है 3.75, बस ये आंसर। अब अगर मान लो तुमको गैलीलियो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं किसी और तरीके से करके दिखाऊंगा। तो गैलीलियो लॉ मालूम होने से हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, कैलकुलेशन हमारी बच रही है, नहीं तो मुझे इक्वेशन बना बना के सॉल्व करना पड़ता। अगर फर्स्ट टी सेकंड में ड्रॉप एच गिरी है तो पक्का नेक्स्ट टी सेकंड में कितनी गिरी होगी, 3H, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 4H, विच इज गिवन 5 मीटर इन क्वेश्चन, तो हमने एच निकाल लिया 5/4। सेकेंड ड्रॉप की कितनी हाइट है, डायग्राम से फायदा मिल रहा है, तो डायग्राम से दिख रहा है मुझे सेकंड ड्रॉप की हाइट 3H है। तो क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है क्या, तो कोशिश करो जब भी क्वेश्चन हो उसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में रफली ड्रॉ कर लो, तो मैं उसको समझने में हेल्प मिलेगी। तो फोर्थ क्वेश्चन को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला, मतलब एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और मैं कहता नहीं एक्सेप्टेंस मोड में बैठोगे, सीखने के पर्पज से बैठोगे, तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा अपने आप, थोड़ा कोशिश करते रहो, बस कोशिश करते रहो। और कई बार मौके मिलेंगे सीखने को, बस कोशिश करते रहो, एक बार तुमको सॉल्व करना आ गया बस फिर तो आ गया, फिर तो बनता जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इज 45। आप क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर सकते हो इसी कांसेप्ट पर, देखो भाई सब लोग सर हो गया 45 आ रहा है, ठीक है आ सकते हैं बाकी लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 और 5 मैंने सिमिलर क्वेश्चन बनाए हैं क्या, यस सर यस, तो 4 मैंने करके दिखाया, अब मैं चाहता हूँ 5 तुम ट्राई करो, देखो कितना कर पाते हो। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आंसर आया या नहीं आया, इंपॉर्टेंट बात है कि तुम कितना कर पा रहे हो, 10%, 20%, 50%, कितना सोच पा रहे हो। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई जो भी चाहिए तुम्हें, मैंने 3 ड्रॉप्स फॉलो करवाई थी, तुम्हारे क्वेश्चन में कितनी आ गई है, 4, हो सकता है एग्जाम में 10 आ जाए। तो अप्रोच सीखो भाई, अप्रोच हाउ टू थिंक, 45 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दो लोगों का बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अब धीमे धीमे समझ में आने लगी ना क्लासेस, तो वही मैं कहता हूँ बेटा आराम से बैठो 2-4-5 क्लास पहले क्लास में, सुनोगे टीचर्स क्या बता रहे हैं, आ जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है एफर्ट डालना, तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है ना उसको एग्जीक्यूट करो, आंसर लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा सही चीज सीख लिए तो, मतलब ऐसा नहीं कि साइड वाले कॉपी से देखकर लिख लिया, कोई फायदा नहीं उससे, वो तो खुद को धोखा देने वाली बात है। 45। बहुत बढ़िया, चलो डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए भी मैक्सिमम 2 मिनट्स, ठीक है ना, इस बार कितने ड्रॉप है हमारे पास, 4, ठीक है देखना ध्यान से।
फोर्थ ड्रॉप कहां पर है? ग्राउंड पर. अच्छा सॉरी सही कह रहे हो, मैं काउंटिंग गलत कर रहा हूँ राइट. क्या ये बात समझ में आती है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है गैलीलियो? ये सबके दिमाग में क्लियर हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अगर फर्स्ट ये हमारी ड्रॉप ये एच है तो क्या नेक्स्ट वाला 3H होना चाहिए? नेक्स्ट वाला आई थिंक टोटल हाइट 81 दी थी, तो इस बार 81 किसके इक्वल है? H plus 3H plus 5H. तो क्या H 9 आ गया? यस सर. आई होप सबको क्लियर हुआ है. ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर हुई ना मैंने क्या बोला? अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या था? सेकंड का पूछा था. तो सेकंड की हाइट कितनी है? तो 5H में H की वैल्यू डाल दो. आगे सही है. ठीक है ना, चलो क्वेश्चन और दो कर ले इस पे. और ये बात तो महसूस हुई ना कि थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों अलग बातें होती है. थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे तो धीमे धीमे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है. चलो एक और ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो सब लोग. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो भाई सब लोग. उसके बाद लिखूंगा इसके ऊपर एक ना वो लिखूंगा एक लेक्चर देख के फिर लिखूंगा. इसको पर एक बार ऑनलाइन देखो सब करके लाओ फिर. ठीक है ना, पर ये तो लग रहा है बैठने से थोड़ा सा चैनलाइज होता है थोड़ा. दस दिन ऐसा कर लो बस. ऐसे ठीक आया किसी का आंसर? सर 8H/9 आ रहा है. बढ़िया वेरी गुड. और अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट एच मीटर, इट टेक्स T second to reach the ground. What is height of ball from ground at T/3 second? मैं चाहता हूँ दिमाग में कोई आइडिया आना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करो फिर डिस्कस करेंगे. सर 80T²/9. ठीक है, ट्राई करो बैठे मत रहना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी. हर क्वेश्चन के लिए तुमको 1 से 2 मिनट दिया जाएगा सोचने के लिए. मैं चाहता हूं कोशिश करो सोचने की. H वाले से ही होगा ना, H इक्वल टू मैं तो बताऊंगा बेटा, बट मैं चाहता हूँ तुम अपने दिमाग को पहले एक्सेल होने दो ना. हो सकता है उससे. चलो डिस्कस करते हैं. सबने क्वेश्चन रीड कर लिया है? यस सर. ठीक है, क्या टार की हाइट एच मीटर भूली गई है? यस सर. ठीक है,
चलो भाई, तो मैंने ये टार बना दिया है, इस टार की हाइट है h मीटर, राइट। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या हमने एक बॉल को थ्रो करा या ड्रॉप करा है, कितने टाइम पे नीचे आ गई है, सही बात है। ठीक है, मेन बात है आइडिया के, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आइडिया क्या आ रहा है। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टार ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t by 3 सेकंड। तो क्या क्वेश्चन में t by 3 की बात चल रही है, है ना, नोटिस करना मैं क्या करने वाला हूं, नोटिस करो, ये सबसे मेन स्टेप है। यस सर, क्या क्वेश्चन में t by 3 बात कर रहा है, yes, तो मैंने कहा ठीक है तीन पार्ट कर दो, t by 3। अगर फर्स्ट में x गिरा है तो अगली बार क्या गिरा होगा, अगली बार क्या गिरा होगा, तो h किसके इक्वल है, x प्लस 3x प्लस 5x, सही बात है। x कितना आ गया मेरा, h by 9, सही है। हमें फाइंड आउट क्या करना था कि t by 3 पे कहाँ थी, तो मुझे लगता है इस पॉइंट की बात चल रही है, सोच लूँ, सही बोला मैंने, तो t by 3 पे हाइट कितनी थी मेरे हिसाब से 8x, और x की वैल्यू कितनी है, पहले ये बात समझ में कि फर्स्ट t by 3 का मतलब क्या है। अच्छा क्वेश्चन पहले एक बार रीड कर लो तुम लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा ना, पहले क्वेश्चन तो करो, व्हाट इज हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t by 3, तो अब t by 3 पे कितनी हाइट लग रही है, सोचो, वही तो समझना है बेटा, कौन सा t by 3, यही तो समझना है, कोशिश करो, पक्का 100% आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो और कोशिश करो। अच्छा एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं समझाता हूँ, बॉल को मैंने ड्रॉप करा, सुनना मेरी एग्जांपल, ठीक, बॉल ग्राउंड पे आ गई है, एग्जांपल ले लिया 30 सेकंड में, ठीक, फिर मैंने t की वैल्यू कितनी ले ली है 30 सेकंड, तो क्या इस t के तीन पार्ट करूंगा मैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड, सही है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हाइट व्हेन टाइम वाज t by 3, तो t by 3 मतलब 10 सेकेंड की बात चल रही है क्या, और हाइट कह रहा है टॉप से या ग्राउंड से, यानी इसकी बात कर रहा है क्या ये, नहीं इसमें डाउट ही आता बेटा कि t by 3 नीचे वाला t by 3 बीच वाला या ऊपर वाला, ऊपर और नीचे, तो मैं लिख देता हूं ना, थर्ड वाला है ना, मैं लिखता हूं ना, देखो ध्यान से मैं सही लिख रहा हूं या नहीं, t = 0, t = t by 3, t = 2t by 3, yes sir, t = t 3t by 3, अब सोचो लॉजिकली क्या होना चाहिए, जब बॉल को ड्रॉप करा, सोचो, मैं कहता हूँ एक्सप्लोर योर थॉट्स, मैं बार बार बेटा एक ही बात समझाता हूँ तुम्हें, एक्सप्लोर योर थॉट्स, जो भी आइडिया आ रहा है उसको एक्सप्लोर करूँ, बट उसके लिए बहुत आराम से बैठ के सोचना पड़ेगा कि जब हमने एक बॉल को ड्रॉप करा तो जिस टाइम ड्रॉप करा उस टाइम कितना था, जीरो, फिर नीचे गिरती जा रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उस बात को देखो मैंने लिखा 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एंड सो ऑन, सर इंटरनल इक्वल रहेगा ना पूरे टाइम, ये हमने डिसाइड करा, क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, यस सर वो इंटरनल, ये तो हमने डिसाइड करा ना सर, अगर h रिवर्स वाला करते तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन और बनाता हूं, देखना ध्यान से तुम लोग कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए, देखो मैं क्वेश्चन और बना रहा हूं, सुनना ध्यान से, लगाओ देखो क्या आता है, देखो अच्छा मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ, सब लोग देखना ध्यान से, अब देखना दिमाग में क्या आइडिया आता है, आप बताओ क्या आइडिया आ रहा है, क्या टाइम को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, आप करो क्वेश्चन, देखो क्या आता है,
ऑप्शंस भी मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही है। हाँ ऑप्शन सही, सेम ऑप्शंस। लॉजिकली गलत है, 4h/3 लॉजिकली समझ में आया क्यों गलत है? टावर की हाइट कितनी टोटल? वेरी गुड, ये पॉसिबल है, वेरी गुड, ये पॉसिबल है सर। 15 वाला है ना सर, 15h/16 ना, देखो करके देखो सर, यही आ रहा है 15h/16। इम्पोर्टेंट है आंसर आया या इम्पोर्टेंट है कि तुमने सोचा क्या? सोचा क्या? मैं बार बार ये बात सिखा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है चलाओ उसको, दो चार पांच क्वेश्चन में चलाओगे अपने आप क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। और दूसरों को मत देखो कि दूसरे जल्दी आंसर ला रहे, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बात है तुमको आइडिया कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। इस बार टाइम कितना बोल दिया मैंने? इससे मैं ये समझा रहा हूँ क्या क्वेश्चन बदलते रहेंगे, तुम्हारे सामने देखो मैंने भी बदल दिया, ठीक है? तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया ही आना चाहिए। देखो मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन, हमारे टावर की हाइट कितनी है एच, ये बात समझ में आती? यस सर। ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? टी टी। तो एक इंटरवल कितना है? तो इस बार मुझे कितने पार्ट करने पड़ेंगे? तो अगर टी बाई फाइव कहता तो मैं कितने पार्ट करता? लॉजिक मिला? Yes, तो अगर एक x है तो 3x है, 5x, 7x, 7x. तो टोटल जो हाइट है h वो होनी चाहिए x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x, तो h by 16। परफेक्ट है? यस सर। अब मैंने पूछा क्या था इसमें, व्हाट इज हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट t/4। तो इसका मतलब मैं पॉइंट ए के बारे में सोच रहा हूँ, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में या ई के बारे में? बी। बताओ भाई। बी। मुझे तो पॉइंट बी लग रहा है। बी आगे। और बी, बी की हाइट पूछा है क्या मैंने? कहाँ से? ग्राउंड से। तो कितनी हाइट लग रही है? वाई, जो कि कितना है 3x प्लस 5x प्लस 7x, तो 15x। और x के लिए तुमने मुझे अभी बताई, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अभी ठीक है ना? yes, तो ये बात तो समझ में आया ना कि भाई क्वेश्चंस कर करके और कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है, क्वेश्चन कर करके कॉन्सेप्ट बनता है। तो जरूरी बात है कि तुम ट्राई करो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अभी समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ? अभी सबको समझ में आया मैंने क्या बात बोली? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप गैलीलियो के बारे में मैंने काफी आइडिया दे दिया, राइट? अब नेक्स्ट इन डालो स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग वही था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है देखते हैं भाई, ध्यान से देखो, एक ये कार चली जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है? यू। ठीक है, लॉजिकली समझना इस बात को। अगर मैंने ब्रेक लगा दिया तो डेफिनेटली ये क्या होगा? सही बात है ना, ब्रेक लगाने पर रिटार्ड होगी या नहीं होगी? होगी। धीमे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि पक्का रेस्ट पे आ जाएगी, सही बात है ना? ठीक है, तो अगर ये कार तेज चल रही है, लॉजिकली सोचा करो बात को, तो ब्रेक लगाने पर जल्दी रुकेगी या ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी? फॉर एग्जाम्पल, एक कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, एक कार की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर,
ब्रेक मार दी दोनों में पूरी ताकत से, तो 20 वाले में खतरा है या आराम से रुक जाएगी? 120 वाले में सही ना? जैसे मैं हाईवे पे जाता हूँ, यहाँ से कई बार लखनऊ में कार से जाता हूँ, तो वहां पे हाईवे बहुत क्लियर लिखा होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स मस्ट बी एटलीस्ट 70 मीटर। 70 मीटर समझ में है? बहुत ज्यादा है। वहां पे अलाउड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर, तो मैं 90 वहां पे कार 90 या 95 पे चलाता हूँ, 100 और मैं 100 से थोड़ा कम रखता हूँ। तो अगर एक हाईवे पे कार मुझसे आगे चल रही है और उसने रोड पे खड़ी कर दी बीच पे, तो मुझे गाड़ी चलाते टाइम महसूस होगा या रुकी हुई है चलती हुई लगेगी? चलती हुई लगेगी, रुकी हुई नहीं महसूस होगी। जब मैं बहुत पास आ जाऊंगा तब मुझे मालूम पड़ेगा क्या रुके हुए, समझ में आया? तो जब मैं बहुत पास आ गया, मैंने देखा सामने तो ट्रक खड़ा है, तो मैं तो पूरी ताकत से उसको क्या करूंगा, रोकने की कोशिश करूंगा। तो अगर 100 मीटर में मुझे महसूस हो गया कि ट्रक खड़ा है, खराब है, तो मैं बच जाऊंगा। बट अगर फॉग का सीजन है और 10 मीटर में जाने के बाद मालूम पड़ा सामने ट्रक है, ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा, 50-50 गाड़ियां डूब जाती हैं, 50-60। समझ में क्या बोला? 50-60-70 मैंने, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत पास आने के बाद अगर देखा और हाई स्पीड पे चल रहे हो तो खतरा ज्यादा है क्या? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? और हाईवे पे ज्यादा खतरा क्यों है? क्योंकि हाईवे पे हम तेज चला रहे हैं 90 पर, रोड पे 90 पे कहाँ चलाते हैं? रोड पे तो हम 30-40 की स्पीड चलाते हैं कार, सामने ट्रक खड़ा है 30 की स्पीड में कार ठुक गई तो क्या होगा भाई? कार को थोड़ा बहुत नुकसान होगा ना, बट अगर 90 की स्पीड में जा रहे हो कार टकरा गई तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब कार का इंश्योरेंस होना चाहिए? नहीं, इसका मतलब कार का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या? सही है। तो आई होप स्टॉपिंग डिस्टेंस की सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है। तो हमें फॉर्मूला पता है वी स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस, और वी कितना है? फाइनली जीरो। एस कितना आ गया? यू स्क्वायर बाई टू। सही बात है ना? अब इस फॉर्मूले से मैंने जो सीखा पहली बात कि क्या एस यू स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है? तो अगर स्पीड को मैं डबल कर दूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोर टाइम्स। ध्यान से देखो, अगर यू को हाफ कर दिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, अजीब है, लॉजिकल लगा? लॉजिकल। सही बात है ना? यस। तो अगर एक कार की स्पीड 40 है, दूसरे कार की स्पीड 80 है, तो किसको रुकना मुश्किल है? 80 वाले। लॉजिकल लगा? यस सर। फिर मैंने एक बात और महसूस करी कि क्या एस 1/a पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। ए का मतलब मैं रिटार्डेशन कहना चाह रहा हूँ क्या? yes. सही ना? तो एक कार है जो आज हम लोग निकाल के लाए हैं, एक कार मेरे पास 10 साल पुरानी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकिंग वाली ब्रेकिंग किसकी बढ़िया होगी? नोटिस करा मेरी बात? है ना? तो जो नई कार है उसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत एकदम फ्रेश है, बहुत अच्छे से ब्रेक लगेगी, बट 10 साल पुरानी कार है मेरे पास, तो ब्रेक बहुत अच्छे लगेंगी या प्रॉब्लम हो सकती है? टायर घिस गए यूज करते करते, समझ में आया? नहीं, इतना नहीं करो, ब्रेक फेल हो गए, बारिश हो गई है, अगर रेनिंग हो गई तो क्या ब्रेक आसानी से लगती है या मुश्किल होती है? इसका मतलब जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट बात है, राइट? ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं ए को डबल कर दूं, मतलब तो हाफ हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यानी गाड़ी जल्दी रुक जाएगी क्या? यस सर। और कार पुरानी है तो क्या ए हाफ हो जाएगा? तो एस डबल। सही बात है ना? यस। नोट करो, हाँ, मतलब ऐसा देख रहे हैं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आइडिया देखें, यानी कि अगर ए हाफ हो गया तो एस डबल हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, इससे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अगर दो कार है, एक नई कार है और एक पुरानी कार है, तो मेरे हिसाब से नई कार को रुकना आसान है कंपेयर टू पुरानी कार। दूसरा, सेम कार है, नॉर्मल डेज में चल रही है और रेनी डेज में चल रही है, तो रेनी डे पे रोड पे पानी है, मिट्टी है, तो ब्रेक मारूंगा तो आसानी से रुकेगी या फिसल सकती है? इसका मतलब ब्रेक वीक हो जाते हैं, ठीक है ना? तो कई बार ऐसा होता है गाड़ी पे ब्रेक मारो तब भी फिसलते हुए आगे चले जाते,
तो ये इम्पोर्टेंट बात थी या नहीं थी? तो अगर तीन कार हैं, एक की स्पीड 40, दूसरे की 80, तीसरे की 120, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? 40, 80, 120, तो जो 120 की स्पीड में कार चल रही है और तीनों ही मान लेते हैं सेम कार है, ठीक है ना, बिल्कुल न्यू कार है और तीनों ही सेम कार है, तो 40 वाले को रुकना बहुत आसान है क्या? 40 वाले में खतरा नहीं होता, अगर रोड पे कुछ आ गया ब्रेक मार दोगे तो 99% है कि मुझे लगता है सेफ है। 80 वाले में थोड़ा खतरा है, रोड पे एकदम से कोई आ गया, मतलब नोबडी वांट एक्सीडेंट, एवरीबडी वांट टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो 80 वाले ने पूरी ताकत से मारी तो बसते बसते भी हल्की सी टच हो गई, ठीक समझ में? फिर भी सर्वाइविंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? अब 120 की स्पीड में जा रहे हैं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उसमें एक्सीडेंट हुआ 120 की स्पीड में तो खतरा बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सर्वाइव होने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं, मर्सिडीज वगैरह हुई तो नहीं दिक्कत आएगी, ऐसा एक्सीडेंट होता है नहीं, कार पलट जाती बच जाती फिर भी होता है। मतलब मैं ये आइडिया देना चाह रहा हूँ, हाई स्पीड पे ब्रेक के चांसेस, मतलब कार के जल्दी रुकने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसको डिस्टेंस चाहिए रुकने के लिए, ये मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने वो हाईवे वाला एग्जांपल दिया कि हाईवे पे क्या होता है, कई बार रेड लाइट पे ऐसा होता है, कई बार रेड लाइट पे ऐसा होता है, कार चला रहा हूँ, अब रेड क्या हुआ, ग्रीन से येलो हो गई, तो येलो देख कर मैं कार को रोक देता हूँ, पीछे से अगर बाइक हिट हो जाती है, क्योंकि बाइक येलो वाले पे निकाल देते हैं हम लोग, मैं नहीं निकालता कार, समझ में आया? तो जब उनको लगता है कि मैं निकाल दूंगा बट मैं येलो पे रोक देता हूँ कार, तो कई बार क्या होता है पीछे से हिट हो जाती है बाइक, इसका मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उनको लगता है कि निकालेंगे तो मैं भी निकाल दूंगा, समझ में आया? तो और एक्सीलरेट करते हैं, फिर उनको लगता है रोक दिया तो ब्रेक मारते हैं, जब तक मारते तब तक टच हो जाती है। आयो समझ में आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक इसी में और है, स्टॉपिंग टाइम। क्या सर टाइम को कैसे स्टॉप कर दिया? टाइम स्टॉप नहीं बोला, स्टॉपिंग टाइम मतलब कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगी कार, 120 किलोमीटर वाली उसको फुल टाइम लगेगा। बढ़िया, क्या इसका ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं? यस सर, कार आती तो क्रैश टेस्ट होता नहीं होता है सर, बस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, सर ऐसे मर जाएंगे, क्रैश टेस्ट होता है भाई। ध्यान दो, तो जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा कार तुरंत रुकेगी या कुछ सेकंड के बाद? ठीक है ना, सही बात है, ठीक है। तो उस टाइम को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस टाइम को मैंने कुछ नाम दे दिया, टी नोट कह दूं? यस यस, तो v का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, u माइनस at, तो t नॉट मेरा कितना आ गया, u भाई। तो इस फॉर्मूले से ये दिख रहा है कि जो हमारा स्टॉपिंग टाइम है क्या वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? यस सर। और कार के ब्रेकिंग सिस्टम पर? यस। ब्रेकिंग सिस्टम जितना बढ़िया है टाइम उतना कम होगा, सही बात है। ABS सिस्टम समझते हो तुम लोग? यस। समझ में, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम कुछ होता है, उस ब्रेकिंग मतलब दो सिस्टम है ब्रेकिंग सिस्टम, वन एंड टू। वन कार को रोकता है 10 सेकंड में, टू रोकता है कार को 5 सेकंड में, तो जो जल्दी रोक देगा वो अच्छी ब्रेक मानी जाएगी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ब्रेकिंग टाइम है वो स्पीड पे डिपेंड करेगा और ब्रेकिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा, मतलब रिटार्डेशन पे भी डिपेंड करेगा। ब्रेक शू समझते हो तुम लोग? यस सर। एक कार में पुराने ब्रेक शू है, एक में बिल्कुल नए, तो नया वाला जल्दी रोक देगा, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेम स्पीड पे चल रहे हैं। नहीं,
चलो अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करें, पहले ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए ना क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 8, चलो जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, बेटा सॉल्व करो। सर 8 हो गया, क्या स्पीड को हमने 40 से 80 कर दिया है, तो सिंपल बात है स्पीड को डबल कर दिया है क्या? Yes, तो अगर स्पीड को डबल करोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। सही बात है ना, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो एक ऑप्शन देखो, थर्ड सी भी दे रखा है 4, तो 4 नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट? इसका मतलब जितना भी पहले था उसका 4 टाइम्स कर दो। किसी में भी आ सकता है बेटा, किसी में भी आ सकता है, तो रॉकेट कुछ भी आ सकता है। फिजिक्स में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं दिमाग लगाने वाले। तो अगर 8 हो गया तो 9th भी हो जाना चाहिए, एक टाइम पे। सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्या? एक की स्पीड u है, दूसरे की स्पीड 4u है, क्या स्पीड 4 टाइम्स कर दी है? यस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर स्पीड को 4 टाइम्स करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 1:2। हां यस सर, ये तो पक्का गलत है। और बताओ, 1:8। मैं फिर से पूछता हूँ, अगर स्पीड को डबल करेंगे, देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या बोला था, अगर स्पीड को डबल करोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स, स्पीड को ट्रिपल करोगे स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स, अगर यू को 4 टाइम्स करोगे 16 टाइम्स। तुम्हारा आंसर सुना था मैंने, बताओ भाई। बी पक्का गलत है, डी। मैंने सोच के बनाया हुआ क्या ऑप्शन, तुम 16 वाला देख रहे हो तो मैंने 16 वाला ऑप्शन बनाया हुआ है। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ सर, 3 है। देखो ना ध्यान से, मैं कहता नहीं क्वेश्चन जब मैं दूँ तो उसको सॉल्व करो कैसे आया देखते हैं। पहले ये बताओ, स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, ये क्लियर है? Yes, sir. अगर यू को डबल करेंगे, मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से, यू को डबल करते पहुंचेंगे। देखो मैं चाहता हूँ ये बात एकदम दिमाग में क्लियर रखो, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो पहला केस, यू को मैंने क्या करा डबल, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ कौन कह रहा है भाई, स्पीड बढ़ाने पे स्टॉपिंग डिस्टेंस हाफ, फिर तो 200 की स्पीड में चलाओ। अगर यू को ट्रिपल करेंगे, स्क्वायर देखो ना, स्क्वायर पे चल रहा है, सही बात है ना। अगर यू को 4 टाइम्स करूंगा, अगर यू को 10 टाइम्स कर दिया, 40 कहां से आ गया? स्क्वायर पे चल रहा है ना, मैंने बोला स्क्वायर पे, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100। तो हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस जो स्पीड थी वो u एंड 4u थी क्या? Yes, तो यानी स्पीड 4 टाइम्स कर दिए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स। तो क्या b ऑप्शन दिख रहा है 16? और d ऑप्शन देखो, ध्यान से देखो d ऑप्शन को, दोबारा बोले बेटा, d ऑप्शन 1:16 लिखा है क्या?
हाँ भाई डी ऑप्शन देखो तो ध्यान से तुम वो देख रहे हो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम वो देख रहे हो जो मैं दिखा रहा हूँ मैं 16:1 दिखा रहा हूँ तुम्हें और तुम चाहते हो 1:16 वो दिख नहीं रहा है वो लिखा है मैंने वो नहीं बेटा जानबूझ के बनाया जाता ना क्वेश्चन ये मैंने सोच के बनाया होगा ना ये बात सोचो तभी तो मैं कहता हूँ कि दिमाग से खेलते हैं ध्यान दो क्या बताना चाह रहे ध्यान दो क्या बताना चाह रहे आई होप 9th क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो गया स्पीड 4 टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 16 टाइम्स अगर ये क्लियर हो तो एक छोटा सा टॉपिक और बता दूं यस सर ठीक नेक्स्ट टॉपिक लिखो रिएक्शन टाइम तो नेक्स्ट क्लास में भाई चैप्टर 3 की डाउट क्लास है भाई बुक उठाओ और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो जो नहीं है मुझसे करवाओ चलो रिएक्शन टाइम क्या होता है समझ ले ध्यान सुनना रिएक्शन टाइम क्या होता है रिएक्ट करने का टाइम समझ लेते ना क्या कह रहे हैं अगर हाईवे पे कार चला रहे हो और एकदम से सामने कोई आ गया तो ब्रेक तुरंत लगता है या 1-2 सेकंड के बाद लगता है सही बात है अब एक फाइटर प्लेन कोई उड़ा रहा है किसी ने मिसाइल फायर कर दी एग्जांपल समझना मैं क्या बोल रहा हूँ ड्रॉप नहीं करे किसी ने मिसाइल चला दी तुम्हारी तरफ अब मिसाइल तुम्हारी तरफ आ रही तुम हेलो हेलो फोन करके पूछते क्या करना है तो फोन करोगे या बचाओगे हाँ बचाने के लिए 2-3 मिनट मिलेगा या 2-3 सेकंड बहुत कम टाइम मिलता होगा ना तो इसका मतलब जो पायलट हैं उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए इसका मतलब पायलट बनने के लिए वो टेस्ट करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो और सही रिस्पॉन्ड करते हो ये नहीं जो बटन नहीं दबाना था वही दबा दिया हाँ एग्जाम्पल समझ में आया तो सेम पर्सन का रिएक्शन टाइम सेम होगा या बदल सकता है बदल सकता है सही बात है ना सेम पर्सन का रिएक्शन टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हो सकता है जैसे कि मान लो एक पर्सन सही होनी चाहिए हाँ मतलब जैसे मान लो डिफरेंट पर्सन का तो रिएक्शन टाइम डिफरेंट हो ही सकता है जैसे कार चला रहे हैं एक ड्राइवर और एक मैं चला रहा हूँ तो जितना अच्छे से या जितना जल्दी ड्राइवर ब्रेक मार देंगे जो डेली सुबह शाम तक चला रहे हैं उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता होगा ना तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं कार हम लोग आराम से चलाते हैं इसका मतलब ये माउंटेन पे चलाना है तो माउंटेन पे कार चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत नैरो रोड होती है और वो बहुत आराम से निकाल लेंगे हम लोग बहुत धीमे धीमे निकालेंगे तो इसका मतलब उनका रिएक्शन टाइम कम होगा या बेस्ट मैंने एग्जांपल बताया फाइटर पायलट जो फाइटर पायलट होते हैं उनको तो एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना ये तो सेकंड्स में हो जाता होगा ना सेकंड्स में सही बात बोल रहा हूँ तो उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए ऐसा नहीं मिसाइल आ रही क्या करें आपस में बात करें तब तक तो फायर हो जाएगा खत्म हो जाएगा सही बात है इसका मतलब रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है ठीक है तो रिएक्शन टाइम डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट हो सकता है और सेम पर्सन का भी डिफरेंट हो सकता है सही तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट है वो दिखाना चाह रहा हूँ देख लो एक मिनट एनसीईआरटी ओपन करो तुम ऊपर एनसीईआरटी में होना चाहिए ऐसा लोगो मैं ओपन करता हूँ ठीक है जल्दी से देखो सब लोग एग्जाम्पल 3.8 ऊपर के देखते पेन देना मुझे कोई सब लोग देखना ध्यान से ठीक है ना अगर ये पेन है और ये सपोज तुम्हारा हैंड है मेरा नहीं है समझ में ना मतलब मुझे तो पता है कि मैं पेन कब छोड़ने वाला हूँ पर अगर मैं तुमसे कहा कि भाई तुमको इस पेन को पकड़ना है ठीक है रेडी रहना अब जैसे ही मैंने छोड़ा गिरी गई ना वो तो गिरी गई
वो तो गिरेगा ही, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तुम अलर्ट में हो बिल्कुल कि तुमको पकड़ना है, बट जितनी देर में तुम पकड़ोगे तब तक चांसेस है कि निकल जाए। इसका मतलब मैं इस एग्जांपल से बताना क्या चाह रहा हूँ कि भाई चाहे मैं खुद ही भले छोड़ूं फिर भी जब मैं छोड़ूंगा, प्रैक्टिकली सोचो ना, जब मैं छोड़ूंगा तो मेरी आईज उसको देखेंगी, फिर ब्रेन कमांड देगा क्या हाथ को पकड़ो, यस सर, न्यूरॉन्स के थ्रू, ऐसा थोड़ी ना तुरंत पकड़ लेंगे, थोड़ा तो गिर ही जाएगा वो। सोचो मेरी बात को, नहीं वो तो बेटा मैं कहता नहीं हूँ कि भाई आप मेंटली तैयार हो, अब कार चलाते टाइम कोई मेंटली थोड़ी तैयार होता कि रास्ते में ट्रक खड़ा होगा, वो तो एकदम से होता है, सडन एकदम से कोई आ गया तो एकदम से कोई आएगा, अभी तो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सही बात है ना, तभी तो तुम्हें पता है कि हमें क्या करना है, जब नहीं पता है तब वो चीज़ मालूम पड़ती है कि रिएक्शन टाइम कैसा है। तो मैं इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुमको इस पेन को पकड़ना है और एक्सपेरिमेंट में मैं कहना चाहूँ जैसे ही मैं छोड़ूंगा पकड़ना, तुमने कहा पकड़ लिया, तो जब पकड़ोगे तो थोड़ा नीचे पास हो जाएगा क्या, और मेरा दिमाग पकड़ने में लगा है तुम्हें बताने में लगा है, दोनों मैं तो उसका भी तो फर्क पड़ता है, कार चला रहे हो मोबाइल में बात कर रहे हो, सामने ट्रक आ गया तो दिक्कत होगी या नहीं होगी, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है, बात करने में लगा, इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई गाड़ी चलाते टाइम कभी मोबाइल पे बात नहीं करो, समझ में आया क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा आधा दिमाग कहाँ पे लगा हुआ है, बात करने, और आधा दिमाग सामने रोड पे लगा हुआ है, अगर बात नहीं कर रहे खाली हो तो मोस्ट ऑफली क्या कर लोगे, बचा ले जाओगे, तो ये एक्सपेरिमेंट देखे सब पढ़ लो, देखते हैं क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो एग्जाम्पल 3.8 कह रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर दो क्या, सही है, देखो सब लोग पढ़ लो बेटा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर तुम मुझसे पूछोगे क्या हो रहा है, फिर मैं नहीं बताने वाला क्या हो रहा है, रीड कर लो, मीटर स्केल को ड्रॉप करें, देखना कि कितने टाइम में उसने वो रूप करा ना, मैंने देखा कि स्केल दे दी उस स्केल को, जैसे ही छोड़ा तुमने पकड़ लिया, जब तक तुमने पकड़ा तब तक ये कुछ पास हो गया क्या, 21 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि जब तक तुमने पकड़ा तब तक 21 सेंटीमीटर पास हो गया, तो वो था उसका रिएक्शन टाइम, वो निकालेंगे अभी तो डिस्टेंस आया है, 21 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस है, इसका मतलब अगर एक स्केल मेरे पास है और मैंने ऐसे रखा जैसे ही मैंने छोड़ा तुमने पकड़ लिया, बट जब तक पकड़ा तब तक ये कुछ पास हो गया, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कितना पास हो गया है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये तुम्हारा हैंड है और तुमने इसको को जब तक पकड़ा तब तक ये स्केल कितनी पास हो चुकी है, 21 सेंटीमीटर, सही है, तो S का फॉर्मूला क्या है, UT प्लस और हमारे यहाँ जो स्केल फॉल हुई कितना फॉल हुई है, ड्रॉप करा था मैंने स्केल को U0 10. A को 10 ले ले? Yes, sir. तो मुझे लगता है टाइम आ जाएगा 21/5 तो अंडर रूट 4.2 बताओ, अच्छा एक मिनट, सेंटीमीटर को मीटर में भी तो बदलना चाहिए था मुझे, 21 सेंटीमीटर था ना, 21 तो आ जाएगा 21/500 तो 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10 4.2 को 4 मान लें अप्रोक्सीमेटली, जिससे आसानी से रूट निकल जाए, तो टी कितना आ गया, इसका मतलब जब तुमने स्केल को गिरते हुए देखा
जब तुमने देखा तुम्हारे ब्रेन ने क्या करा उसको पकड़ो, तो देख करके ब्रेन ने जब हाथ से कहा पकड़ो उतनी देर में कितना टाइम निकल गया 0.2 सेकंड। उसको अगर स्लो मोशन कैमरे में रिकॉर्ड करा जाए तो बहुत क्लियर दिखेगा क्या? किसी ने अगर डिस्कवरी पे देखा हो टाइम रैप करके एक सीरीज आती थी पहले, टाइम रैप करके दिखाते थे उसमें। अच्छा मैंने काफी पहले देखी थी, तो उसमें दिखाते हैं बलून है, उस बलून में पानी भरा हुआ और तुमने पंचर कर दिया। हाँ मतलब जो भी है, मतलब मैंने तो 10-15 साल पहले देखी थी, तो उसको स्लो मोशन कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? तो वैसे जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको मैंने स्लो मोशन कैमरे से रिकॉर्ड कर दिया, तो देखने में क्या लगेगा? अरे स्किल निकली चली जा रही, पकड़ क्यों नहीं रहे? ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा? बट ये टाइम समझ में आ रहा है कितना है? 0.2, तो बहुत कम है क्या? समझ में आया? इसका मतलब जो रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकंड बहुत कम है, तब भी स्किल कितनी पास हो चुकी थी? 21 सेंटीमीटर। तो जब बहुत हाई स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फाइटर प्लेन, तो उनको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है क्या? यस सर। बहुत ज्यादा एक्यूरेट, जैसे जब फाइटर प्लेन को लैंड करवाते हैं तो अगर लैंडिंग सही से नहीं हुई तो क्रैश हो जाते हैं क्या? यस सर। सही बात है ना? तो इसका मतलब वो रिएक्शन टाइम फाइटर प्लेन के जो पायलट होते हैं उनका बहुत कम होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से बहुत जल्दी हैंडल करना आना चाहिए। अगर 2-4-5 सेकंड लगा दिए क्या करे क्या करे, उतनी देर में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आ गया। अभी इसमें एक टॉपिक है, अगर कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा दूंगा। तो आज का काम क्या है? चैप्टर 3 के सारे सम्स बनाओ, क्वेश्चंस चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस बनाओ, सारे क्वेश्चंस सॉल्व, एग्जांपल एंड एक्सरसाइज अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा उनको, ठीक है? सर ये तो समझ आ गया कि रिएक्शन टाइम उसे लगेगा जिसने भी रूलर पकड़ा है।